दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। वही दुनिया में टेक्नोलॉजी के मामले में जो देश सबसे आगे है वो है जापान। देखिए दुनिया में कई देश हैं और सभी देश किसी न किसी चीज में आगे हैं, लेकिन बॉस जापान कुछ ज्यादा ही अलग है। दोस्तों हम अपने जीवन में अनुशासन का पहला पार्ट स्कूल में ही पढ़ते हैं। स्कूल ही वो जगह होती है जहाँ हमारा सामना पहली बार नियम कायदे कानून से होता है ना। पर दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि आपके स्कूल में जो नियम चलते हों वो बाकी जगह भी चलते हों। देखिए आज हम इस वीडियो में जापान के कुछ अजीबोगरीब नियमों को आपको दिखाने जा रहे हैं। दोस्तों दुनिया में अपनी तकनीकी की धाक जमा चुका जापान अपने स्कूल्स में कुछ इस तरह के नियम चलाता है जो सुनने में थोड़े अटपटे जरूर लगते हैं। दोस्तों जापानी स्कूलों में कुछ मामलों में लड़के और लड़कियों के लिए वैसे तो एक ही जैसे नियम देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ जगह अंतर भी दिखाई देता है। तो चलिए बात करते हैं विस्तार से, शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर वन, दोस्तों जापानी स्कूलों में लड़कों के लिए एक ऐसा नियम है जिनमें उनके बाल कानों के ऊपर नहीं रखे होने चाहिए। हालांकि वो हेयर स्टाइल चाहे तो कोई भी रख सकते हैं, लेकिन बाल कान के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ऐसा मानना है कि इससे सुनने की क्षमता प्रभावित होती है। लेकिन वहाँ की लड़कियों के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है, वो कोई भी हेयर स्टाइल रख सकती है, लेकिन इतना जरूर है कि वो साज श्रृंगार की चीजों का यूज नहीं कर सकती, जैसे कि लिपस्टिक लगाना, नेल्स पर नेल पॉलिश करना, ये सब लड़कियों को स्कूलों में लगाकर आना मना है। इस नियम का मकसद सिर्फ इतना सा है कि अगर लड़कियां इन सब चीजों से दूर रहेंगी तो पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान लगा पाएंगी और लड़कों का मन भी जरा कम भटकेगा। नंबर टू, दोस्तों जापानी लोग वक्त के बहुत पाबंद माने जाते हैं और वक्त के महत्व की सीख उन्हें स्कूल से ही दी जाने लगती है। यदि कोई भी स्टूडेंट बिना बताए स्कूल नहीं आता है या फिर मान लीजिए लेट आता है तो उसको सजा दी जाती है। जापानी स्टूडेंट पढ़ाई के साथ साथ लड़ाई में भी अच्छे माने जाते हैं, तभी तो इन्हें दुनिया के सबसे लड़ाकू स्टूडेंट के तौर पर देखा जाता है। नंबर थ्री, दोस्तों यहाँ पर लड़कियों को प्रपोज करने का तरीका बड़ा ही अलग है। यहाँ कोई लव लेटर नहीं लिखता है, बल्कि इसकी जगह वहाँ पर एक कोरा कागज उस लड़की को देता है जिससे वो प्यार करता है। अगर वो लड़की पेपर लेते समय शर्मा जाए और मुस्कुरा दे तो भाई साहब समझ लीजिए प्यार को स्वीकार कर रही है, और उसको उस प्रपोजल से अगर कोई आपत्ति है, उसे नहीं चाहिए आपका प्रपोजल, तो भी वो किसी को ये नहीं कह सकती है कि सुनो इस लड़की ने ना मुझे प्रपोज किया, क्योंकि उसके पास सबूत के तौर पर सिर्फ और सिर्फ कोरा कागज है बॉस। नंबर फोर, भाइयों जापान के स्कूल में साफ सफाई का जिम्मा खुद टीचर्स और स्टूडेंट्स मिलकर उठाते हैं। खुद की सुरक्षा के लिए वहाँ सेल्फ डिफेंस जैसी चीजों को स्कूलों में सिखाया जाता है। जी हाँ, वहाँ स्वीपर्स नहीं होते स्कूल के अंदर, बच्चे और टीचर खुद ही साफ करते हैं अपना स्कूल। और साथ ही आपको बता दूं वहाँ स्कूल्स में खुद की सुरक्षा के लिए सेल्फ डिफेंस जैसी चीजों को सिखाया जाता है। नंबर फाइव, दोस्तों जापानी स्टूडेंट्स जो होते हैं मैथ्स और साइंस में बड़े तेज माने जाते हैं। इसका कारण ये है कि यहाँ पर सिर्फ 5 हफ्ते का समर वेकेशन होता है, बाकी साल भर पढ़ाई चलती रहती है। नंबर सिक्स, देखिए यहाँ कोई लड़का अगर मिस्टेक कर देता है तो सजा के तौर पर उसे गर्ल्स की क्लासरूम में 7 दिनों तक बिठाया जाता है, और अगर कोई स्टूडेंट किसी डेस्क में लड़का और लड़की का नाम लिखता हुआ मिल गया तो स्कूल से भाई साहब उसको निकाला भी जा सकता है। नंबर सेवन, दोस्तों अगर कोई जापानी टीचर कभी क्लास ना ले पाए तो उस दिन उसी क्लास का कोई बच्चा बाकी बच्चों को पढ़ाता है। वेल, ये काफी अच्छा है। नंबर सेवन, दोस्तों जापान में कोई भी स्टूडेंट कभी घड़ी की तरफ नहीं देखता है, क्योंकि उनका शेड्यूल इतना बिजी होता है कि छुट्टी जैसी चीज की उम्मीद दिन में कम ही होती है। एक के बाद एक भाई साहब बैक टू बैक क्लासेस चलती रहती हैं। अच्छा मुझे बताइए इनमें से ऐसा कौन सा नियम है जो आपको लगता है कि यार ये नियम यार हमारे यहाँ होना चाहिए, जरा कमेंट करके बताइए। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड ऐसी और वीडियोस देखनी है तो एक छोटा सा काम कीजिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर मेरी जान।